हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है कि द रेडियस रेशियो ऑफ द केएफ इज 0.98। द स्ट्रक्चर ऑफ केएफ इज टाइप ऑफ एनएसीएल, जेडएनएस, सीएससीएल एंड ग्रेफाइट। तो हम लोग को निकालना है कि अगर रेडियस रेशियो केएफ का 0.98 है तो इसमें उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा, NaCl, ZnS, CsCl या फिर ग्रेफाइट का। तो अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग थ्योरी चलें तो आपको पता होगा कि जब R प्लस एंड R माइनस, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन का जो रेंज होता है लाइज इन द रेंज ऑफ, इसका जो रेंज होता है वो 0.732 1.0 तक होता है। तो ये अगर ऐसा होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो 8 के कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 हो जाता है। ओके, तो इसका भी कुछ ऐसा ही है, केएफ का जो रेडियस रेशियो है वो 0.98 है जो कि 0.732 और 1 के बीच में है। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 8 होगा जो कि CsCl के इक्वल होता है। CsCl का स्ट्रक्चर, अगर हम CsCl के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। सपोज करो कि ये CS है और Cl उस तरह उसके कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट हैं आपको दिख रहे हैं वो सीएल के पॉइंट है। ये सीएल है, ये सीएल है, ये यहाँ पर भी सीएल है और इस तरफ में इस कॉर्नर पर भी सीएल है, यहाँ पर भी इस कॉर्नर में भी सीएल है, इस कॉर्नर में भी सीएल है, इस कॉर्नर में भी सीएल है और इस कॉर्नर में भी सीएल है। तो ये एक्चुअली, ये इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली 8 है। और ये जो टाइप होता है, इसका रीजन ये है कि जब भी रेडियस रेशियो निकलता है जो हायर होता है, ये इसका शेप जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। इसका शेप जो होता है, अगर हम लोग रेडियस रेशियो और वॉइड्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा तो जिसके थ्रू हम लोग अगर बात करें तो उसका रेडियस रेशियो जिसका 7.32 से 1 के बीच में रहता है, उसका शेप कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और का शेप जो होता है क्यूबिक होता है। अगर हम लोग एक क्यूब बनाए ऐसा क्यूब, तो इसका हर कॉर्नर जो होगा, इसका जितने भी कॉर्नर है वहां पे नेगेटिव आयन रहेगा और इसका जो सेंटर होगा वहां पर पॉजिटिव आयन होगा। तो के एफ का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर जो है ये के एफ के होगा और उसके चारों तरफ एफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या कैसा होगा, क्यूबिक होगा। तो इस तरह से अगर हम पहला क्वेश्चन बोले कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा के एफ का, अगर इसका रेडियस रेशियो 0.98 है तो उसका रेडियस रेशियो ऑफ कोर्स उसका स्ट्रक्चर CsCl की तरह होगा क्योंकि CsCl का स्ट्रक्चर भी क्यूबिक होता है और इसका नंबर नेम भी क्यूबिक होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और मैं थोड़ा और बता दूं कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0.41420.732 के बीच में होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और वो ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं। और जिसका रेडियस रेशियो 0.225 to 0.414 तक रहता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और वो टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं।
तो अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल ये क्यूबिक शेप बना रहा है, और क्यूबिक में ऑफ कोर्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है जो सीएससीएल के तरीका का है। दैट्स ऑल, थैंक यू।